दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप WhatsApp पर बिना नंबर सेव किए डायरेक्ट मैसेज किस तरह से कर सकते हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि WhatsApp पर आप किसी को भी चैट करते हैं तो सबसे पहले आप उसका नंबर सेव करते हैं, फिर उसके बाद आप उससे चैट कर पाते हैं। तो लेकिन दोस्तों मैं जो आपको जो तरीका बताऊंगा इसमें आपको नंबर सेव नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट आप उससे बात कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं। तो बस वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है और मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा, आपको पूरा प्रोसेस समझा दूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन 3 MB की एप्लीकेशन है और बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम है WhatsMe। आप जैसे ही मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है और मैं इसका अच्छा खासा यूज़ भी कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर डालने हैं जो आपको जिसको आपको चैट करना है। तो सबसे पहले आपको कंट्री कोड यहाँ पर +91 का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद जो नंबर आप डालते हो पीछे वो आपको लगाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नंबर फीड कर दिया, अब उसके बाद यहाँ पर आपको सीधा ओपन चैट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक ऐड दिखाई देगी, सिंपली आप इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद अपने WhatsApp पे डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप जैसे भी हाय हेलो कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों बस सिंपल सा फंडा है, आपको बस एक एप्लीकेशन 3 MB की एप्लीकेशन इतना कुछ कर सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कोई सुझाव हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।